हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल बबल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम हर एक स्टूडेंट को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, वेदर इट इन द नीट, अगर हम नीट की बात करें तब भी, और अगर हम बात करें इन द मेडिकल एग्जामिनेशंस लाइक MBBS BMS, तो सभी की यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा क्रिटिकल लगता है, बट हम आपको बहुत ज़्यादा इजी बना के देंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कौन सी बुक से फिजियोलॉजी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारा आया था, तो मैं आपको बता दूँ, बुक्स एक्चुअल में सारी अच्छी होती हैं, कोई भी बुक्स बुरी नहीं होती, बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि आपको पढ़ने के लिए अपने हिसाब से, आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो आपको सेम्यूलिंगम बुक प्रेफर करनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई अच्छा मेंटर है, आपके प्रोफेशनल्स वगैरह आपके पास ज़्यादा है, अवेलेबल है, तो आप गाइडन या फिर एक ही जैन को प्रेफर कर सकते हैं। तो वेदर डिपेंड अपॉन द ऑथर, आप किसी भी एक बुक को ले सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि इस तरीके से ये हमारा पूरा कंट्रोल नर्वस सिस्टम है। पहले हम बता दें कि नर्वस सिस्टम करता क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हमारे विल पावर के बाद हम जो अपने आप से कर रहे हैं उसको हम विल से हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, या कुछ चीज़ मैं उठा रहा हूँ, कुछ रख रहा हूँ, तो ये सारी मेरे विल से हो रही है, मैं अपने आप से कर रहा हूँ, तो दिस इज आर द वॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री जैसे GIT के अंदर सिक्रीशन हो रहा है, जैसे मैंने खाना खाया, तो दीज आर द इनवॉलेंट्री सिक्रीशंस और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। तो ये सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है पूरा बॉडी का, आपकी 11th में जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा NCERT के अंदर, वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही नाम से था कि भाई जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। सो हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्वस सिस्टम रहता है, बट मैंने कहा बट स्पाइनल कॉर्ड से कुछ पेरिफेरी पे हमारे जो अपेंडिसेस होते हैं उस पे भी क्या है, कुछ हमारी न्यूरॉन्स जा रही होती हैं, नर्व फाइबर, जिनकी वजह से क्या होता है वो पूरी हमारी जो बॉडी है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो पहले हम इसको सुनने से पहले, इस डायग्राम को देखने से पहले, हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए कि नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई। तो नर्वस सिस्टम का अगर मैं एक काम बताऊँ तो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो वर्क है वो किसका है, नर्वस सिस्टम का है। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को हमने दो टाइप का देखा है, कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, दैट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द CNS इज नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कि हमारी बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक्सियल और स्केलेटन पूरे को हमारा जो सप्लाई कर रहा है दिस इज द पेरिफेरल। पेरिफेरी का मतलब ही क्या होता है कि पेरिफेरी पर जो हमारा दे रहा है, सेंटर में जो जा रहा है पूरा, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी पीछे, वो क्या है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट उस स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से जो आपकी न्यूरॉन्स फाइबर बाहर निकल के जो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया, तो उसको डिवाइड किया है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। आप देखिए ना कि सेंट्रल नर्व, सेंटर में क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां से नर्व फाइबर निकल के जो जा रहे होंगे पेरिफेरी पे, दीज आर फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको दो में क्लासिफाई किया है, दैट्स ANS इज फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड SNS इज फॉर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दिस इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अगर मैं देखूं तो किस तरीके से, पहले साइड CNS में और PNS में डिवाइड किया उसको। CNS इज ब्रेन, CNS के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और PNS तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। अब सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है,
देखो ऑटोनॉमिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे स्केलेटल मसल पे आए, स्केलेटन जितनी मसल है, स्केलेटल मसल है जिनको हम विल पावर से स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं, तो दीज आर द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे स्केलेटल से कनेक्ट है पूरा, ठीक है, वो क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इफ यू टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपैथेटिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी विल पावर में नहीं होता, ठीक है, तो हमारी विल पावर में कौन नहीं होता, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिवाइड किया जाता है। तो सिंपैथेटिक हमारा और पैरासिंपैथेटिक, इसको हम देखेंगे आगे फुली कि कौन सा इमरजेंसी के लिए, कौन सा नॉन इमरजेंसी के लिए। तो इसी को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए हमारा हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, CNS की जब पढ़ेंगे तो CNS के अंदर क्या आता है, ब्रेन, BRAIN, दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीजें हमारी आती हैं, द CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अ PNS कंसिस्ट ऑफ ANS एंड द SNS, दैट मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, एक लार्ज स्फीयर जो रहता है ब्रेन के अंदर, दैट इज द सेरिब्रम, और उसके जस्ट नीचे क्या है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन, ठीक है, तो आपको क्या है, मिड ब्रेन को भी पढ़ना होता है। देन आपको उसके पोस्टीरियर साइड में आपको सेरिबेलम दिखेगा, देन पोन्स उसके नीचे, देन मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है, ये पोन्स, मेडुला ओब्लंगाटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये मिड ब्रेन, ये सारा का सारा पार्ट ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी वर्टीब्रा होती है पीछे, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ब्रेन है तो क्रेनियल नर्व होती है यहाँ पर, नीचे स्पाइनल नर्व होती है, इसके अंदर से न्यूरॉन्स जो निकलेंगे वो कौन से होंगे, इसके अंदर से जो न्यूरॉन रहेंगे उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो आप डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी पढ़ेंगे, उनके अंदर से क्रेनियल नर्व निकलेंगे, नर्व के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन क्या है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है आपकी स्पाइनल नर्व या स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो यहाँ से ये भी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ये अपने सेगमेंट के थ्रू डिवाइडेड रहता है, जैसे सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबार हो गया, सैक्रल हो गया, कॉकेजियल हो गया, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द कहाँ कहाँ पर वो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, कहाँ कहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, चाहे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबार है, सैक्रल है, कॉकेजियल है। अब इस चीज को फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिपीट करूँ कि भाई ये नर्वस सिस्टम हम किस तरीके से डिवाइडेड किए हैं, कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम इसमें हम बात करेंगे दैट कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, इसको हम बाद में बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने देख लिया क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बारी बारी हम एक एक चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज द फंक्शन और पार्ट ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नाउ हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था हमारा CNS, द सेंट्रल नर्वस इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट मींस एक ब्रेन था इसके अंदर और एक आपका था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, ओके। सो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड था। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन को हमने, जो ब्रेन होता है हमारा, ये स्कल के अंदर आपका सेव रहता है, जो स्कल आपकी रहती है, जो कपाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्कल उसके अंदर बंद रहता है, ये कवर्ड रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। और ब्रेन जो है हमने तीन भाग में या तीन टाइप से इसको क्लासिफाई किया है, तीन टाइप से। ऑन द बेसिस ऑफ ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम करते हैं एक्चुअली, तो इस क्लासिफिकेशन को हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ वेशल्स होती हैं एनाटॉमिकल, कुछ वेशल्स होती हैं जैसे ये प्रोजेन होगी, मीजेन होगी और रोमबेन होगी, तो इसके बेसिस पर हम इसका क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोजेन से फलोन है, तो कोई एक एनाटॉमिकल एक वेशल होती है, कोई ऐसा वेशल होती है जो डेवलप करती है, ठीक है, एम्ब्रियो लाइफ में, उसके बेसिस पर हम इसको कैसे नाम देते हैं, प्रोजेन से फलोन, मीजेन से फलोन, रोमबेन से फलोन। तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोजेन से फलोन, ठीक है, मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजेन से फलोन, और हाइंड ब्रेन का तीसरा नाम दूसरा नाम है रोमबेन से फलोन। तो अब दोबारा से सुनिए कि हमारा CNS है वो दो में डिवाइड कर दिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको दो में डिवाइड कर दिया, वन इज द ब्रेन एंड इज द स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड, एक है आपका ब्रेन।
सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ब्रेन की, तो ब्रेन को हमने किसमें क्लासीफाई कर दिया, तीन टाइप से, क्योंकि ब्रेन के तीन प्रकार होते हैं, ब्रेन तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला जो पढ़ा जाता है दिस इज द फोर ब्रेन, और दूसरा आपका होता है मिड ब्रेन, और तीसरा आपका होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है, तीन में क्लासीफाई हो गया। अब फोर ब्रेन को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जब एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ब्रेन का हम पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पर कैसे बोला है कि ये प्रोजेंसेफलॉन होता है, दिस इज द मेसेंसेफलॉन एंड दिस इज द रोम्बेंसेफलॉन, ठीक है। मेसेंसेफलॉन क्या है आपका, मिड ब्रेन, प्रोजेंसेफलॉन क्या है आपका, फोर ब्रेन, एंड रोम्बेंसेफलॉन क्या है आपका, हाइंड ब्रेन, ओके। अब प्रोजेंसेफलॉन जो फोर ब्रेन होता है, प्रोजेंसेफलॉन जो फोर ब्रेन होता है इसको फर्दर क्लासिफाई किया है, प्रोजेंसेफलॉन जो फोर ब्रेन होता है उसको फर्दर क्लासिफाई कैसे किया है, द टेलेंसेफलॉन एंड द डायनसेफलॉन, ठीक है। तो इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई कर दिया आपका, टेलेंसेफलॉन एंड डायनसेफलॉन। तो ये टेलेंसेफलॉन के अंदर क्या क्या आता है, ये देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो दिख रहा है हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आता है हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमी का मतलब आधा होता है, तो ये दो स्फीयर होते हैं इस तरीके से मिले हुए होते हैं, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके अंदर आता है, टेलेंसेफलॉन, जो किसका पार्ट है, प्रोजेंसेफलॉन या फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद इसके अंदर बेसल गैंग्लिया इसके अंदर रहती है, बेसल गैंग्लिया भी आती है, डिटेल पढ़ेंगे सारा, हिप्पोकैम्पस भी आता है इसके अंदर, और एमाइलॉइड न्यूक्लियस आता है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है टेलेंसेफलॉन के अंदर आते हैं, जो कि फोर ब्रेन का या प्रोजेंसेफलॉन का ही पार्ट है। दोबारा सुनेंगे, फोर ब्रेन को दो में क्लासीफाई किया, टेलेंसेफलॉन में और डायनसेफलॉन में, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है जी। अब देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो किसके अंदर आता है, टेलेंसेफलॉन में, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। बेसल गैंग्लिया जो होती है वो टेलेंसेफलॉन के अंतर्गत आता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। हिप्पोकैम्पस वो भी फोर ब्रेन के अंदर आता है, टेलेंसेफलॉन के अंदर आता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। एमाइलॉइड न्यूक्लियस भी फोर ब्रेन के अंदर ही आता है, और जो जिसका कौन सा एक पार्ट है, टेलेंसेफलॉन का पार्ट है। इसको फिर एक प्रोजेंसेफलॉन और क्लासिफिकेशन डायनसेफलॉन में, तो डायनसेफलॉन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस आते हैं, ठीक है। थैलेमस सारा का कहाँ आता है, डायनसेफलॉन के अंदर। मिडब्रेन का ऐसा कोई पार्ट होता नहीं है, तो मिडब्रेन को दूसरा हम जो बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर क्या बोलते हैं, मेसेंसेफलॉन, ओके। नाउ कम टू द हिंड ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस उठते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गा हो गया या फिर सेरिब्रम बोन्स हो गया, क्योंकि मैक्सिमम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हिंड ब्रेन की, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रोम्बेंसेफलॉन। ये सारी की सारी बात ब्रेन की हो रही है, देखो इतने पार्ट की हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड की अभी हमने बात नहीं करी है, जो कि सीएनएस में हम दो चीज पढ़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा रोम्बेंसेफलॉन होता है, इस रोम्बेंसेफलॉन हाइंड ब्रेन को हमने दो में क्लासीफाई किया है, नंबर वन इज द मेटेंसेफलॉन, नंबर टू इज द माइलेंसेफलॉन, ठीक है। तो दो में क्लासिफाई किस तरीके से किया है हाइंड ब्रेन को, देखो मेरे को जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऊपर बना दिया है सब क्लासिफिकेशन, आप पूरा नोट जब बनाएंगे तो नीचे बना लेंगे पूरा क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो मेटेंसेफलॉन जो होता है इसको हम बोलते हैं पोन्स और सेरिबेलम, मतलब सॉरी मेटेंसेफलॉन के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेटेंसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ पोन्स एंड द सेरिबेलम। नाउ माइलेंसेफलॉन के अंदर क्या आता है, सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज मेडुला ओब्लॉन्गा। तो देखो सेरिबेलम जो हो गया ये वाला, ठीक है, सेरिबेलम और पोन्स, ये वाली चीज किसके अंदर आती है, किस वेसल के अंदर आती है, फोर ब्रेन सॉरी हाइंड ब्रेन की मेटेंसेफलॉन वेसल के अंदर आती है। लेकिन बचा एक मेडुला ओब्लॉन्गा होता है, जो ओमोडी मेडुला ओब्लॉन्गा, ये किसके अंदर आता है, माइलेंसेफलॉन के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहती हैं, क्या क्या है ये एक मैंने शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, सबसे पहले इसके नोट्स आप तैयार कर लें। इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मेडिकल बबल यूट्यूब नाम से आप सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे जा सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप जाके अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूरॉन के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस फॉर लिसनिंग, बाय।